दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए फूड डिपार्टमेंट की नई भर्ती की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु सीमा 37 वर्ष है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए 44,000 रुपये सैलरी है। खाद्य विश्लेषक के लिए 66,000 रुपये सैलरी है। बिना एग्जाम की भर्ती है, ना ही कोई इंटरव्यू और ना ही कोई आवेदन शुल्क आपको जमा करना होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या खाद्य विभाग भर्ती की पूरी जानकारी आई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इसकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं फूड डिपार्टमेंट यानी कि खाद्य विभाग भर्ती की पूरी जानकारी। पोस्ट है इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड एनालिस्ट और भी बहुत सारे पद है जो हम आपको नोटिस से दिखाएंगे। वेरियस वैकेंसीज निकली है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 44,000 रुपये सैलरी पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। फूड एनालिस्ट के लिए 66,000 रुपये। जो बाकी की पोस्ट है हम आपको नोटिस से दिखाएंगे। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। 37 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो कोई भी शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम देना होगा और ना ही कोई इंटरव्यू। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है health.bih.nic.in का ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 11 सितंबर 2019 है। जी हाँ दोस्तों, आप आज ही से भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 25 सितंबर 2019 है। तो चलिए दोस्तों इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो कि हम यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए 44,000 रुपये सैलरी है। 91 टोटल वैकेंसी जिसके लिए निकली है। अनुसूचित जाति के लिए इसमें 8 है। अनुसूचित जाति यहाँ पर मेल के लिए 4 वैकेंसीज है। अलग अलग कैटेगरी के लिए आप यहाँ से पूरी वैकेंसीज की जानकारी चेक कर सकते हो और साथ साथ उसके बाद यहाँ से आप खाद्य विश्लेषक के लिए देख सकते हो। 66,000 रुपये सैलरी है। 6 वैकेंसीज टोटल निकली है। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए भी 66,000 रुपये सैलरी है। 1 वैकेंसी है। कनीय विश्लेषक के लिए 1 वैकेंसी है। सहायक रसायन के लिए भी 1 वैकेंसी है। वरीय विश्लेषक के लिए भी 1 है। सहायक लोक विश्लेषक के लिए 4 वैकेंसीज है। जी हाँ दोस्तों, इसमें मेन वैकेंसीज रहने वाली है फूड डिपार्टमेंट के अंतर्गत की, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य विश्लेषक की निकली है। जी हाँ दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन है विज्ञापन संख्या 2/2019 है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये नोटिस जारी कर दिया गया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त बिहार पटना के अधीन खाद्य संरक्षा वर्ग, खाद्य विश्लेषक संवर्ग एवं संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला के लिए यहाँ पर भर्ती निकली है। पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप सैलरी पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो वैकेंसीज, और साथ साथ यहाँ पर इन भर्तियों के लिए ग्रेजुएट यानी कि स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातकोत्तर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज आप यहाँ से पूरी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी चेक कर सकते हो। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 42 वर्ष है। और साथ साथ जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे, आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी दी गई है। health.bih.nic.in पर रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आपको 11/9 से 25/9 तक ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ID जनरेट करनी होगी और फॉर्म को पूरी तरह भरने के बाद में सबमिट कर देना होगा। फाइनली फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट भी भविष्य के लिए लेना होगा। दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों का सत्यापन आप यहाँ पर पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। चयन की प्रक्रिया की बात की जाए तो मेगा सूची के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरिट लिस्ट के आधार पर इसमें आप यहाँ से पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर कनीय विश्लेषक और जो बाकी की पोस्ट है सभी के लिए यहाँ पर अंक दिए गए हैं, आप सिंपली चेक कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। खाद्य विश्लेषक के लिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में अंक वाइज तालिका दी गई है। और साथ साथ खाद्य संरक्षा अधिकारी के लिए भी आप यहाँ से डिटेल्स में जानकारी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी इसकी नोटिफिकेशन की PDF। अगर आपको भी ये डाउनलोड करनी है, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप यहां से चेक कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी, जिसको आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हो।
और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी दोस्तों यहाँ पर लिंक दिया गया है। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।